जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर सियासी गर्मागर्मी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन आज बात खजाने के गणित की करेंगे। जांच एजेंसियों ने बीते दिनों जितनी रकम जब्त की है, वो पैसे और गहने आखिर जाते कहां हैं? काले धन के रहस्य लोक की ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए। 91.5 किलो सोना, 340 किलो चांदी, जिनकी कुल वैल्यू करीब 48 करोड़ रुपए है। ईडी ने बुधवार को मुंबई में रक्षा बुलियन और क्लासिकल मार्बल नाम की दो कंपनियों के ठिकाने पर छापेमारी करके ये बरामदगी की है। इससे पहले ईडी ने ममता के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर से 50 करोड़ कैश बरामद किए थे। अभी 10 सितंबर को मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस में कोलकाता से 15 करोड़ कैश की बरामदगी ईडी ने ही की थी। हाल ही के दिनों में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जिनमें ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी कर करोड़ों रुपए और गहने जब्त किए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ईडी जो जब्ती करती है उनका होता क्या है, तो इस तरह से समझिए। जब्ती मुख्य रूप से तीन तरह की होती है, पहले कैश की जब्ती, दूसरा गहनों की जब्ती और तीसरा प्रॉपर्टी की जब्ती। छापेमारी में जब्त की गई चीजों का पंचनामा तैयार किया जाता है। केस का जो जांच अधिकारी होता है इस पंचनामे पर दो गवाहों के साइन करवाता है। जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके साइन भी इस दस्तावेज पर करवाए जाते हैं। इसके बाद जब्त की गई प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी बन जाती है। अब इसमें सबसे पहले आपको कैश के बारे में बताते हैं। ईडी जो पैसे जब्त करता है उसमें कितने नोट हैं, कितनी गड्डियां हैं और कितने के नोट हैं, मतलब 100 के कितने नोट हैं, 500 के कितने, 2000 के कितने और इन नोटों की कितनी गड्डियां बनी हैं, इन सब का ब्यौरा पंचनामा पर लिखा होता है। इन पैसों को ईडी सरकारी बैंक में जमा करवाती है, मुख्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कई बार केस की जांच के दौरान इन पैसों की जरूरत होती है, तब ईडी केस की सुनवाई तक पैसों को अपने पास भी रखती है। कैश की जब्ती समझने के बाद अब गहनों की जब्ती के बारे में बताते हैं। ईडी ने अगर सोना, चांदी, गहने या फिर कोई कीमती सामान बरामद किया है तो उसका भी पंचनामा बनता है, जिस पर एक एक चीज का ब्यौरा होता है। सोना, चांदी, गहने और कीमती सामानों को सरकारी मालखाने में जमा करवाया जाता है और वो तब तक जमा रहता है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट में केस का फैसला अगर ईडी के पक्ष में आया तो फिर गहनों पर सरकार का हक हो जाता है, लेकिन अगर आरोपी ने साबित कर दिया कि उसने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर जब्त सामान कोर्ट के आदेश पर वापस हो जाता है। कई मामलों में जुर्माने के साथ भी संपत्ति वापस करने का आदेश कोर्ट देता है। कैश गहनों के बाद अब प्रॉपर्टी की जब्ती का हिसाब किताब भी समझ लीजिए। जब ईडी किसी की प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उस पर खरीद बिक्री का इस्तेमाल नहीं करने जैसा बोर्ड लगा देती है। हालांकि कई मामलों में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी को अटैच किए जाने पर भी उनके इस्तेमाल को लेकर छूट है। पीएमएलए के तहत ईडी 180 दिन यानी 6 महीने तक किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अगर तब तक अटैच प्रॉपर्टी को ईडी सही साबित नहीं कर पाती है तो 180 दिन बाद प्रॉपर्टी मुक्त हो जाती है और अगर ईडी सही साबित होती है तो ये सरकारी प्रॉपर्टी हो जाती है। हमारी रिसर्च टीम ने जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 31 मार्च 2022 तक ईडी ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। इन 1,00,000 करोड़ में देवघर जैसे 262 एयरपोर्ट बनाए जा सकते हैं, देवघर जैसे 95 एम्स बनाए जा सकते हैं, बुंदेलखंड जैसे 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा सकते हैं और कुशीनगर जैसे 375 मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं। ये आंकड़े मार्च 2022 तक के हैं। अभी इसके बाद करोड़ों रुपए और सोने चांदी ईडी ने जब्त किया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।